नमस्कार भक्तगण, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रत्युत्तर में कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे मैं कहता हूँ, कृपया इसे सुने। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज किया करते थे। वह अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। जब एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु जी बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो सद्गति को प्राप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री विष्णु भगवान जी की जय। तो भक्तगण, यह थी वरुथनी एकादशी व्रत कथा। आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर वरुथनी एकादशी कथा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा श्रवण के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।